रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि कुछ लोग जो बहुत हजारों सालों से बहुत पिछड़े हुए रहे, उन्हें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी, उन्हें एजुकेशन नहीं दी गई थी सबसे पहली बात तो उन्हें मेन स्ट्रीम तक बराबर लाने के लिए एक ऐसी चीज दी जाती है जिससे कि वो भी सक्षम हो जाए, वो भी आगे आए। ये कोई हमें ये नहीं कि कोई फायदा दिया जा रहा है, ये उनका राइट बनता है, ये उनका राइट है कि जिससे कि वो भी मेन स्ट्रीम तक आ जाए। रिजर्वेशन जो दिया गया है वो अदर देन हिंदू को दिया गया है, उसमें धर्म से कोई मतलब नहीं है। रिजर्वेशन जो शेड्यूल बना हुआ है, एक सूची बनी हुई है, उसमें जो जातियां हैं उन लोगों को दिया गया है, न कि किसी धर्म में। उससे हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सिख धर्म का कोई मतलब नहीं है। उस जाति का जो लोग, चाहे वो किसी धर्म में हो, उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, क्योंकि वो धर्म से नहीं। तो बौद्ध धर्म में अगर आते हैं, बौद्ध धर्म अपनाते हैं और वो सूची का नंबर डालते हैं उसमें अपने सर्टिफिकेट में कि ये सूची शेड्यूल कास्ट में इस नंबर पर है, ये कास्ट, उसको रिजर्वेशन मिलेगा, उसको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा।